क्या यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहे हैं? क्या आपको भी यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए? क्या आपको भी यूट्यूब में अपना करियर स्टार्ट कर देना चाहिए? मैंने भी अपने थंबनेल पे लिखा है कि लाखों कमाएं, लेकिन क्या ये बात सच है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यूट्यूब पर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिए। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता है। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। YouTube चैनल क्यों बनाना है, क्या जरूरत है हमें YouTube चैनल बनाने की? पैसे कमाने के लिए? मैंने भी अपने थंबनेल पे लिखा हुआ है लाखों कमाएं, क्या ये बात सच है? क्या यूट्यूबर्स इतना पैसा कमा पा रहे हैं यूट्यूब से, जो आपको भी यूट्यूब करियर स्टार्ट कर देना चाहिए, अपना खुद का चैनल बना लेना चाहिए? तो आपको मेरे पीछे है ना अर्निंग प्रूफ दिखा रहा हूं मैं। यहां पे इस चैनल पे 35 लाख व्यूज आए हैं। नॉर्मल है यार, एक ही वीडियो पे 35 लाख व्यूज आप देख लेते हो, और इस वीडियो से इतने 1,83,000 रुपए की अर्निंग हुई है। यहां पे एक और चैनल आपको दिख रहा है, उस पे 12 मिलियन व्यूज आए हैं, 3 दिन में इतने रुपए कमा चुका है ये चैनल। अभी तो रुको, आगे देखो, ये चैनल है 50 मिलियन व्यूज। आप गाने देखते हो YouTube पे, उन पे 100 मिलियन व्यूज, 200 मिलियन व्यूज ऐसे रहते हैं। एक कॉमेडी वीडियो पे भी 10-15 मिलियन व्यूज रहते हैं, मतलब 2-3 करोड़ व्यूज, इतने व्यूज रहते हैं। तो वो कितना कमा लेते होंगे उससे? इतना तो लगभग कमा ही लेते होंगे यार, 12 लाख रुपए, कितना रुपए तो कमा ही लेते होंगे। लेकिन इन सब को करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है ना, वो है एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, YouTube चैनल बनाना। बना हर कोई लेता है, रिटेन नहीं कर पाता है, कंटिन्यू नहीं रख पाता है, 2 दिन वीडियो डालेंगे फिर उसके बाद बंद कर देंगे, देखते जाओ आप। उसके बाद देखो, इस वीडियो में है ना स्पेसिफिकली मैं इस चीज पे बात करने वाला हूं कि कैसे आप YouTube चैनल बनाओगे। YouTube चैनल तो भाई 2 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट ही लगेंगे YouTube चैनल को क्रिएट करने में, लेकिन जो YouTube चैनल की सेटिंग्स है ना, वहां पे अगर आप गलती कर दोगे ना तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। वहां पे आपको ये लगता है कि यार चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरी सेटिंग्स तो गलत नहीं है। तो ये है ना सही तरीका, देख लो कि कैसे आपको सेटिंग करनी है, कैसे आपको चैनल को क्रिएट करना है। हमने थंबनेल पे बताया सारी है ना सेटिंग्स को भी डिस्कस करूंगा मैं प्रॉपर, किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। आपको मोटिवेशन की जरूरत रहती है कि यार हम चैनल तो बना लेते हैं, 10 वीडियोस डाल के वीडियो बंद कर देते हैं, ऐसा आप अब से नहीं करना है। 2023 स्टार्ट हो गया है, 2023 में हमें अपना चैनल ग्रो करना है, अच्छा खासा पैसा भी अर्न करना है। चैनल बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले जाना है youtube.com पे, और जब आप youtube.com क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो आपको इस तरीके का दिखने लग जाएगा अपना मोबाइल। अगर आपका ऑटो रोटेशन बंद है तो उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आप जब भी अपने फोन को टेढ़ा करेंगे ना तो आपको डेस्कटॉप की तरीके से आपको अपनी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। जब आपको डेस्कटॉप की तरीके से स्क्रीन दिखेगी तो आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करके अब अपना अकाउंट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कैसे आपको बनाना है। तो जैसे ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तब आपसे पूछेगा माई सेल्फ खुद के लिए बनाना है, तो टू माई सेल्फ आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना पहला नाम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है, जैसे मेरा नाम अंकित खोला है, अंकित यादव है, तो हमने डाल दिया अपना नाम। उसके बाद आप अपनी कोई भी ईमेल एड्रेस चूज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे चूज कर देते हैं कोई भी ईमेल आईडी, आप जैसे आपका नाम कुछ भी है तो अपने नाम के अकॉर्डिंग कोई भी ईमेल आईडी आप चूज कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पे ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, जो आपको अपनी इस ईमेल आईडी को लॉगिन करते टाइम जो पासवर्ड चाहिएगा अपने यूट्यूब चैनल को हर और हरदम अपना। अगर आपको नया चैनल बनाना है ना, तो नई ईमेल आईडी बनाओ यार, वो बढ़िया रहता है, क्योंकि आप पुरानी ईमेल आईडी यूज करते हो ना, उसका ज्यादा फायदा नहीं रहता है। तो यहाँ पे पासवर्ड आप डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे फोन नंबर पूछेगा कि यार अपना मोबाइल नंबर बताओ, ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि कोई रोबोट तो ये चैनल नहीं बना रहा है, एक इंसान ही है जो चैनल बना रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करते ही यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आप अपनी रिकवरी ईमेल आईडी, कोई भी दूसरी ईमेल आईडी डाल सकते हो, जो अगर आपकी ये ईमेल आईडी कभी भी हैक हो जाए, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं, तो अगर हैक हो जाए तो आप उस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, हमने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे।
जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालोगे आप यहाँ पे, उससे आपका यूट्यूब चैनल क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ओटीपी आया, हमने यहाँ पे सेंड किया ओटीपी, उसके बाद हमारे पास जैसे ही ओटीपी आया हम उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारा ओटीपी आता है तब तक आप क्या करो ना यार, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो जब तक ओटीपी आता है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि यार ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हम अच्छी अच्छी वीडियोज में देते रहते हैं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया ना, उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस है, यस आई एम इन कर देंगे हम यहाँ पे। जैसे ही आप यस आई एम इन करोगे, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और हैं, उनको भी हम क्या कर देंगे, एग्री कर देंगे। जैसे ही आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करोगे ना, आपका एक ईमेल आईडी बन चुका है। अब इससे हम क्या करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखना, जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे ना, आप जैसे आपका चैनल बन गया, आप यहां पे क्लिक करेंगे ना, वहां पे आएगा अब ऑप्शन क्रिएट अ चैनल। आपने अपनी ईमेल आईडी बना लिया, उसके बाद यहां पे जस्ट इस पे क्लिक करके हम अपने चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां पे मेल आईडी देख सकते हो, वही मेल आईडी है जिस ईमेल आईडी से हमने अपना चैनल बनाया है। अब क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ चैनल पे सीधा क्लिक करते आपसे वो चैनल का नाम पूछेगा। अब हमें चैनल का नाम क्या डालना है, यहां पे हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको अपने चैनल पे अपनी फोटो डालनी है वो भी आप यहां पे डाल सकते हो। अगर लोगो डालने हैं तो वो हमने है ना एक दूसरी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप अपना लोगो और अपना चैनल आर्ट, मतलब जो YouTube का बैनर बोलते हैं, उसको ऐड कर सकते हो। उस वीडियो को भी आप देख सकते हो अगर आपको लोगो और बैनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो। तो जैसे ही हम अपना चैनल का नाम चूज करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आ गया हमारा। जैसे ही हमारा क्रिएट अ चैनल होगा, ये पूरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपका चैनल बन गया है। अब चैनल बन चुका है, यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके या मैनेज वीडियोस पे क्लिक करके हम उस सेटिंग पे जाएंगे जो मैं आपको सेटिंग्स अब बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो सेटिंग्स जरूर देखनी है यार, और अपने चैनल को क्रिएट करते ही उन सेटिंग्स का यूज करना है, वो सारी सेटिंग्स कर लेनी है सबसे पहले। अब देखो चैनल हमारा बन गया, उसके बाद सेटिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे चैनल्स की सेटिंग मैं नहीं दिखाऊंगा, नए चैनल की करके नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद के चैनल की दिखाऊंगा। जो हमारा चैनल चल रहा है, अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, आप लोगों की वजह से आ रहे हैं, तो उस चैनल की सेटिंग कैसे हो रखी है सारी की सारी आप देख लो। इसी तरीके से आप भी अपने चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो क्या रहता है हमारा, यहाँ पे जनरल रहता है कि आपकी जो अर्निंग दिखाती है, जैसे हमने जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे पहले वो किस में थे, रुपीज में थे। अगर आप चाहते हो वो डॉलर में दिखे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे है ना INR चूज कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना इस ऑप्शन पे, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप कोई भी करेंसी चूज कर सकते हो। हमने इंडियन रुपी कर रखी है कि भाई भारत वाली जो रुपी है उसी रुपए में हमें हमारी अर्निंग शो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होती है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं यार, चैनल टैक्स में है ना कुछ भी भर देते हैं कि फालतू की चीजें और दूसरे क्रिएटर्स का नाम। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपका चैनल जिस बारे में है उसी से रिलेटेड लिखना है। जैसे हमारे चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब अनलॉक्ड है, YT अनलॉक्ड है, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं हम। हमारा चैनल कहाँ का है, इंडिया का है। यहाँ पे है ना इंडिया ही चूज करना है। अगर आप इंडिया में हो तो, अगर आप ये चाहते हो दूसरे देशों की ऑडियंस आए तो उनकी लैंग्वेज में जब आप वीडियोज बनाओगे ना तो अपने आप धीरे धीरे वो ऑडियंस आने लग जाएगी। लेकिन पहले यूट्यूब अपने ही, मतलब जिस देश का चैनल रहता है उसी देश में वीडियोस को भेजता है। बेसिक इन्फो जैसे ही आपकी पूरी हुई, उसके बाद आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये चीज देखो, अब देखो सबसे पहले ये तीन ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपकी वीडियो आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो ऑप्शन चूज करना है कि मेरी वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और यहाँ पे जितने भी हमारे यूट्यूबर्स रहते हैं ना, बच्चों वाली वीडियोस हम नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे है ना नो ही रखो। चाहे बच्चों के लिए बनाए ना, तब भी हमें नो ही रखना चाहिए, क्योंकि मेड फॉर किड्स वाली वीडियो में क्या होता है ना, जब आप उनको थोड़ा सा नीचे करके ब्राउज में यूं ही होम पेज पे वीडियो चेक करते हो ना, तब वो वीडियोस प्लेएबल नहीं रहती हैं, बंद हो जाती हैं, या फिर उनके कमेंट्स भी बंद रहते हैं, कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कोई भी मेड फॉर किड्स जो वीडियोस रहते हैं। उसके बाद ये हमारा गूगल अकाउंट है, ठीक है, ये कहां गया, हाँ ये हमारा गूगल अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको ऑन कर देना है, डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। अगर कोई गलती से हम उल्टे सीधे कुछ चीजें लिख दें तो वो ज्यादा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ना ही ऑटो कैप्शनिंग में डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब जो सबटाइटल्स आपको ऑटोमेटिक बन के आते हैं वो। यहाँ पे इस ऑप्शन को है ना ऑन ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। क्लिप्स को आप अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कॉन्टेंट कर सकते हो, इससे क्या होगा ना लोग आपके वीडियोस को काट काट के अपनी वीडियोस बना के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है यार। इससे आपका ही वो बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी वीडियोज को ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगी।
उसके बाद आती है फीचर्स एलिजिबिलिटी। यहाँ पे है ना, ये दो फीचर्स तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो तीसरा फीचर रहेगा ना, जो एडवांस रहता है, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन जैसे ही आप करोगे ना, ये ऑप्शन भी अनेबल हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप अपनी वीडियोज को 15 मिनट से बड़ी वीडियोज भी अपलोड कर पाओगे, और जो थंबनेल ऐड नहीं कर पाते हैं ना कई बार लोग, तो थंबनेल भी इसी वजह से ऐड नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपके लिए वहां पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखो अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो उसके अंदर ये सिर्फ दिखेगा जब आप अपने क्रोम ब्राउजर से अपलोड करोगे ना, तभी ये चीज दिखेंगी जो यहां पे आप डाल रहे हो। अगर आप मोबाइल से अपलोड करोगे ना तो अपलोड डिफॉल्ट्स का कोई फायदा नहीं है। जब आप कंप्यूटर से या फिर क्रोम ब्राउजर से वीडियोस को अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये आएगा, यहां पे आप कुछ भी डाल के रख सकते हो अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन। विजिबिलिटी में तीन चीजें रहती हैं, अगर आपको नहीं पता है ना तो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे है ना, ये देखो, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक अनलिस्टेड। पब्लिक क्या होता है, जब हम आपको मेरी वीडियो कोई दिखती है तो इसका मतलब क्या है, वो एक पब्लिक वीडियो है, वो मैंने सब लोगों के लिए अवेलेबल कर रखी है। तो कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को अपलोड करते ही पब्लिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, उसको अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड का क्या फायदा होता है कि यूट्यूब तो उस वीडियो को रीड कर पाता है, कि हम अगर अनलिस्टेड में वीडियो को अपलोड कर देते हैं ना तो वो यूट्यूब तक तो पहुंचती है। यूट्यूब ने देखा, उस वीडियो को प्ले किया, यूट्यूब चेक कर रहा है उस वीडियो के अंदर क्या क्या है, एल्गोरिदम को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीजें जब अनलिस्टेड में रहती है ना वीडियो को, तब हो जाता है। तो आपको कोई भी वीडियो डायरेक्ट पब्लिक नहीं करनी है, अनलिस्टेड रखनी है और उसके बाद ही पब्लिक करनी है। उसके बाद एक ऑप्शन रहता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब होता है ऐसी वीडियो जो पब्लिक नहीं है। अब देखो, कई लोग पूछेंगे यार प्राइवेट और अनलिस्टेड में क्या अंतर है। अनलिस्टेड वीडियो जब आप किसी को भेजते हो ना, जब अगर मैंने अनलिस्टेड करके वीडियो आपको दे दी, अनलिस्टेड करके मैंने आपको दे दी, तो आपको दिखेगी वो। मतलब अगर आप किसी को लिंक भेजेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइवेट वीडियो है उसका अगर आप किसी को भी लिंक भेजेंगे वो वीडियो प्ले नहीं होगी। तो अगर आपको अपनी वीडियो अपलोड करके किसी अपने दोस्त को दिखानी है कि यार कैसे बनी है, कुछ गलती है तो बता, या कहीं पे तू बोर हो रहा है तो बता, मैं उस पार्ट को काट के और फिर से अपलोड कर दूंगा। तो ये तीन ऑप्शंस रहते हैं, ये आपको मैंने बता दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे टैग्स रहते हैं। अपलोड डिफॉल्ट्स में टैग डालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो अपने चैनल से रिलेटेड टैग्स डाल सकते हो। जैसे मेरे चैनल का नाम YouTube Unlocked है तो मैं यहाँ पे YouTube Unlocked लिख दूंगा। उसके बाद आता है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में क्या क्या चीजें रहती हैं आप देख लो। यहाँ पे अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक चैप्टर्स का क्या मतलब रहता है कि यहाँ पे है ना, हम चैप्टर्स बना सकते हैं अपनी वीडियोज के। चैप्टर्स से क्या होगा कि जब भी आपकी वीडियो के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स हैं तो YouTube अपने आप रीड कर लेगा कि यार कहां कहां पे क्या है। जब लोग टाइम स्टैम्प्स डालते हैं ना, हम कई वीडियोस के नीचे देखते हैं कि कुछ ना कुछ लिखा रहता है कि यहां पे ये चीज समझाई है हमने, यहां पे ये चीज समझाई है, यहां पे ये चीज समझाई है, तो वो है ना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी अगर ऑटोमेटिक चैप्टर्स आप ऑन कर दोगे तो YouTube खुद ही बना लेगा वो। उसके बाद ये लाइसेंस रहता है, स्टैंडर्ड लाइसेंस चूज कर रखा है हमने। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में एजुकेशन चूज कर रखी है हमने। आप कुछ भी कैटेगरी कर सकते हो जो जिस कैटेगरी में आपका चैनल है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वो देखना चाहो तो। आपकी वीडियो अगर हिंदी में है तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हो ताकि YouTube उसको हिंदी में समझे कि हाँ उस वीडियो के अंदर क्या है। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर रखा है, आपको भी इन ऑप्शंस को चूज करने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर लेना है, होल्ड इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मतलब अगर कोई गाली वगैरह लिख रहा है कमेंट्स में या कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा है ना, तो उससे भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है। तो ये ऑप्शन चूज रखो, सही रहेगा। और यहाँ पे आप अपने हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक द वीडियो, यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर दोगे तो उससे आपके लाइक्स दिखते रहेंगे, कितने लोगों ने लाइक किया है। अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो ज्यादा लोग लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, तो डिसलाइक तो वैसे भी बंद ही है, तो इस ऑप्शन को आजकल बंद करने का कोई पॉइंट है नहीं। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है कि आप अपनी एड्स को कहाँ कहाँ पे चलाना चाहते हो, वीडियो के बीच में भी चलाना चाहते हो, ओवरले एड्स, स्पॉन्सर्स एड्स, ये सारे ऑप्शंस आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद ऑन हो जाएंगे। कम्युनिटी की बात, यहाँ पे आप अपने मॉडरेटर्स को ऐड कर सकते हो, अप्रूव्ड यूजर जो आपके कमेंट्स को चेक कर ले, और जिन जिन चैनल्स को आपको ब्लॉक करना है उन चैनल्स को आप ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लाइव रीडायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे तो कोई भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा और आपके चैनल पे भी अगर कोई लाइव स्ट्रीम है तो वो अपनी लाइव स्ट्रीम से आपकी लाइव स्ट्रीम पे वो वीडियो भेज देगा, मतलब व्यूअर्स को भेज देगा। और ब्लॉक लिंक से क्या होता है, जब आपके चैनल पे कोई बहुत सारे लिंक शेयर करता है तो आप इस वाले ऑप्शन को बंद कर सकते हो ताकि बहुत सारे लिंक्स ना अपलोड कर पाए। ये डिफॉल्ट वाली सेटिंग्स है और ये चैनल गाइडलाइंस है, यहाँ पे आप कुछ भी गाइडलाइंस डाल सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी चैनल पे कोई भी आए तो उसको
कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दिखे तो आप ये वाली तीन गाइडलाइंस जैसे हम सिलेक्ट कर लें, तो जब भी आप कमेंट करने जाओगे ना तो आपको ये तीन कमेंट्स यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए वेलकम टू यूट्यूब अनलॉक दिया कि हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, अच्छा सा कमेंट करो आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आएंगे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, तो उसमें हम क्या बताएंगे ना कैसे वीडियो अपलोड करनी है, कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स डालने हैं और वीडियो को अपलोड कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। कहता हूं आप लोग को वीडियो पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं और उसमें क्या क्या सेटिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।